खबर इस वक्त की बता दें कि आतंकी हमले की आशंका को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ये बड़ी साजिश, खुफिया एजेंसियों ने कई राज्यों को अलर्ट यहां पर कर दिया है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य निशाने पर हैं और सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आपको हम याद दे रहे हैं, जहां पर अलर्ट जो है वो आतंकी हमले को लेकर जारी किया गया है। धारा 370 हटाए जाने के बाद ये स्थितियां हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया है और इसी को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। शरद पुरोहित जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शरद, किस तरीके का अलर्ट है, किस तरीके के एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं? देखिए, इंटेलिजेंस के जो सोर्सेज हैं उनसे लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की जो आतंकवादी संगठन है उनकी ओर से किसी तरह का फिर से एक बार हमला किया जा सकता है, जिस तरह के पुलवामा हलवा उरी हमला यहाँ पर हुआ था। बताया जा रहा है कि कश्मीर में भी इस तरह की साजिश वापस से वहाँ के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद है वो रच सकता है, उसको ISI मदद भी कर रहा है। इस तरह का भी इनपुट लगातार जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा देश के जो प्रमुख राज्य हैं उनको यहाँ पर लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों को भी, वहाँ पर भी किसी तरह का आतंकी हमला किया जा सकता है। मुख्य अगर रडार पर बात करते हैं तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कभी भी इस तरह से आतंकी हमला किया जा सकता है। इस तरह की साजिश तैयार की जा रही है, ये सोर्सेज से कहीं ना कहीं इनपुट अभी तक मिलता हुआ नजर आ रहा है और इस इनपुट को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो भी एयरपोर्ट है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएँ बढ़ा दी गई है। जो विजिटर्स हैं एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले उनको 10 तारीख से 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के लिए एक बार के लिए रोक दिया गया है, उनको पासेज नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 15 अगस्त भी है, उस 15 अगस्त पर जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होने हैं, समारोह आयोजित होने हैं, वहाँ पर किसी तरह की दखल नहीं हो, किसी तरह का कोई साजिश वहाँ पर नहीं रची जाए, इसको लेकर भी तमाम तैयारियाँ की जा रही है। मीटिंगें ली जा रही है और उनमें यही यहाँ पर चाक चौबंद करने की व्यवस्थाएँ की जा रही है कि जो सुरक्षा व्यवस्थाएँ हैं पूरी तरह से यहाँ पर चुस्त हो, दुरुस्त हो, इस तरह की तैयारियाँ फिलहाल की जा रही है। शरद, अगर राजस्थान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हालांकि पूरे देश के अंदर इस तरीके का अलर्ट है, लेकिन अगर राजस्थान में कोई पर्टिकुलर एरियाज हैं, हालांकि जगह जिस तरीके से आपने बताया कि जो है एयरपोर्ट जैसी जो तमाम जगह हैं या फिर जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो खासतौर पर जो है कंसिडर किए जा रहे हैं इस अलर्ट को लेकर, लेकिन अलग अलग जिलों को भी क्या इसमें नॉमिनेट किया गया है, उसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ जो हैं वो हो सकती हैं और सुरक्षा जो है खासतौर पर बरती जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो बड़े ज़िले हैं, जयपुर मुख्य तौर पर हम मान सकते हैं टारगेट माना जाता है, पहले भी यहाँ पर 2008 में आतंकी हमला हुआ। इसके अलावा जो सीमावर्ती क्षेत्र है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उस तरफ भी सुरक्षा व्यवस्थाएं तेज कर दी गई है, क्योंकि जो भी आतंकी संगठन है माना जाता है कि अगर राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो सीमावर्ती क्षेत्रों से कहीं से प्रवेश कर सकते हैं, तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएँ फिलहाल इस अलर्ट को देखते हुए बढ़ा दी गई है। और उसके अलावा मुख्य तौर पर बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर मुख्य टारगेट किए जा सकते हैं, ऐसे इनपुट है, तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है। यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है या जयपुर के एयरपोर्ट की हम बात कर लेते हैं, जोधपुर के एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है, तो परिवहन के जहाँ से भी साधन हो सकते हैं उनको मुख्य तौर पर सुरक्षा एजेंसियाँ अपनी निगरानी पर रख रही है। CCTV के जरिए भी वहाँ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, देखा जा रहा है कोई संदिग्ध व्यक्ति तो वहाँ से नहीं निकल रहा, और कोई भी संदिग्ध अगर दिखाई देता है तो पहले उससे उसके दस्तावेज तरीके से चौकसी की जाएगी, यहाँ पर जो है बढ़ती जा रही है। इस वक्त तमाम